बाइक रेस में आपका स्वागत है। ओह, बाइक रेस का इनविटेशन, वाह! डैडी, डैडी, देखो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ओह, यूहू, मजा आ रहा है। क्या बात है, वाह! दोस्तों, दोस्तों, देखो मेरे पास क्या है। क्या हुआ मिसिफू? आ, लग गई। ओ, माफ करना लिली, गलती से हो गया। कोई बात नहीं टैटी, मैं ठीक हूँ। देखो, देखो, साइकिल रेस होने वाली है। मुझे तो यकीन नहीं होता। और हम सबको इनवाइट किया गया है। ओहो, मैं अभी अपनी बाइक लेकर आती हूँ। क्या हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करें मिसिफू? हाँ हाँ, चलो चलो। तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लेती हूँ। डर लग रहा है, मुझे तो बाइक चलाना भी नहीं आता, लेकिन मुझे लिली और मिसिफू के लिए ट्राई करना चाहिए। ओह, कितनी गंदी है, पहले साफ कर लेती हूँ। बाइक साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे चलाना है। लेकिन ये तो मेरा घर है। माफ करना, लेकिन मुझे अपनी बाइक की जरूरत है। लेकिन तुमने तो सालों तक इसे नहीं छुआ। हाँ जानती हूँ, इसी वजह से मुझे डर लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक मैं स्टोरेज रूम में घर बना लेती हूँ जब तक मुझे मेरा घर वापस नहीं मिलता। मेरा हेलमेट कितना साफ है। मेरा हेलमेट, यूहू! अब चलते हैं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आई, मैं गिरूंगी। लग गई। सोचा था उससे भी मुश्किल है। लग गई। पेड़, रास्ते से हट जाओ। ओह, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये क्या हो गया? ठीक है, अब तो मैं कर ही रहूंगी। तालाब में नहीं। ये बाइक सुनती ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। मछलियों, तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें साइकिल नहीं चलानी पड़ती। जादू का इस्तेमाल करना ही अच्छा होगा। ट्विंकल ट्विंकल बी, ये आइडिया अच्छा नहीं है। मदद मदद, ये बहुत ऊंचा है। रुको रुको, रुक जाओ। अरे पेड़, रास्ते से हटो। सुना? हाँ, लगता है किसी को मदद चाहिए मिसिफू। हम आ रहे हैं। हमें उसकी मदद करनी होगी। मदद! ओ, हमारी बाइक नहीं उड़ सकती। हमें इसके लिए मिस्टर मॉर्निंग की मदद लेनी होगी। चलो। अरे रुक जाओ, मुझे नीचे उतरना है। मिस्टर मॉर्निंग, मिस्टर मॉर्निंग! दोस्तों, क्या हो गया? टैटी को मदद चाहिए, वो अपनी बाइक से नहीं उतर पा रही है। अच्छा, तो तुम्हें उसे मेरे घर लेकर आना होगा ताकि मेरा घर उसे पकड़ ले। ठीक है, चलो मिसिफू टैटी को लेकर आते हैं। देखो वो रही। जादुई बाइक, तुम हमसे नहीं बच सकते, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। मदद करो दोस्तों। टैडी, हम तुम्हें बचा लेंगे। हाँ हाँ।
लो वो आ गए, अब मेरी बारी है मदद करने की। लिम प्लम। जमीन पर आकर कितना अच्छा लग रहा है। आई! बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मॉर्निंग। ट्विंकल ट्विंकल बी, बाइक हो जाए नॉर्मल अभी। क्या हुआ था डैडी? मुझे बाइक चलाना नहीं आता, इसलिए मैंने जादू का इस्तेमाल किया। तुम्हें जरूरत है रोलर्स की। धन्यवाद मिस्टर मॉर्निंग। कोई बात नहीं टैटी, हम तुम्हें सिखाएंगे। बहुत अच्छे टैटी, बहुत अच्छे। तुम अच्छा कर रहे हो टैटी, बहुत अच्छा। चलो। तुम अच्छा चला रही हो टैटी, अब मैं छोड़ देता हूँ। मुझे मत छोड़ना, डर लग रहा है। अगर तुम नी हाइस पहनोगी तो गिरोगी नहीं। बहुत अच्छे डैडी। शुरू करो। वाह बहुत अच्छे। रेस शुरू होती है। गो। बहुत अच्छे डैडी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मेरी बहन तुम तो चैंपियन बन गई हो। डैडी 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 डैडी। चलते हैं। नहीं, मैं तो शहर के ऊपर उड़ना चाहूँगी। नहीं टैटी, लोगों को नन्ही जादूगरनियाँ नहीं पसंद। चिंता मत करो, हम शहर के ऊपर उड़ेंगे, शहर में नहीं जाएंगे। मिस इफू देखो, तुम्हें ये खेत याद है? हाँ टैटी, इस खेत में बहुत मजा आया था। अरे मिस इफू, शहर को देखो कितना सुंदर लग रहा है। सर में खुजली आ रही है। खुजली खुजली खुजली। मिसिफू मिसिफू। माफ कीजिएगा, क्या आपने मेरी बिल्ली को देखा है? वो काले रंग का है और उसकी आंखें नीली और हरे रंग की हैं। जादूगरनी जादूगरनी, और वो भी काली बिल्ली ढूंढ रही है। मैं अच्छी जादूगरनी हूँ, आपको डराना नहीं चाहती। पक्का ये मिसिफू ही होगा। हेलो टैटी। बिल्लियों तुम्हें क्या हुआ है? हमें शहर से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं काली बिल्लियाँ जादूगरनी की होती है। अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। क्या तुमने मेरी बिल्ली को देखा? उसकी एक नीली और एक हरी आंख है। नहीं तो नहीं। अच्छा तुम लोगों को भूख तो लगी होगी ना? हाँ बहुत लगी है, मुझे भी। और मुझे भी। हाँ मुझे भी। ट्विंकल ट्विंकल बी, बिल्लियों के लिए दूध आ जाए अभी के अभी। अरे वाह, पक्का ये मिसिफू होगा। हेलो बिल्ली, क्या तुम्हें भी शहर से निकाल दिया गया है? हाँ मुझे भी, उन्होंने मुझे भी शहर से निकाल दिया। अरे बच्चे कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। क्या तुमने मेरी बिल्ली को देखा या नहीं? हाँ हाँ मैंने देखा। क्या, कहाँ है वो, मुझे बताओ ना। जब राजकुमार जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने पैर में चोट लगी बिल्ली को देखा। उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया और उसका इलाज करने के लिए महल ले गए।
भगवान का शुक्र है कि मिसिफू ठीक है, लेकिन मैं महल में जाऊंगी कैसे? लोगों को जादूगरनियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मैं जानता हूँ, आप अपनी पहचान रसोईया बताना और महल में दाखिल हो जाना, क्योंकि राजा खाने के शौकीन हैं। राजा के पास तो अच्छे रसोईये हैं। मैं जानता हूँ, हम तुम्हें आलू बना देते हैं ताकि तुम किसी की नजर में आए अंदर दाखिल हो जाओ। आलू बनके? हाँ, आलू बनके। अगर मैं आलू बनकर गई तो वो मेरी सब्जी बना देंगे। तो फिर केला बनना कैसा रहेगा? ना तो मैं आलू बनूंगी, ना केला बनूंगी और ना ही कोई और सब्जी, क्योंकि वो मुझे खा जाएंगे। तो फिर तुम मोची बन जाओ। जो जूते बनाता है? हाँ, जूते बनाने वाला। राजा को जूते बहुत पसंद है। अगर तुम उनके लिए जूते ले गई तो राजा खुश हो जाएंगे। ट्विंकल ट्विंकल बी, राजा के लिए हरे जूते आ जाएं अभी के अभी। सुप्रभात महाराज, मैं आपके लिए सुंदर जूतों का तोहफा लाई हूँ। ओ, तुम बड़े अच्छे जूते बनाती हो। इसके लिए कितनी मोहरे लेना चाहोगी? महाराज, इसके लिए मुझे एक भी मोहर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? महाराज, मुझे मेरी बिल्ली मिसिफू वापस चाहिए। राजकुमार जंगल से उसे इलाज के लिए ले आए हैं। तो फिर तुम्हें राजकुमार से बात करनी चाहिए। नमस्ते राजकुमार। नमस्ते जादूगरनी टैटी। आप मुझे जानते हैं? हाँ, मिसिफू ने मुझे बताया कि तुम एक अच्छी और दयालु जादूगरनी हो। टैटी, ये लो मिसिफू। बहुत बहुत धन्यवाद टैटी। मिसिफू। टैटी, मैंने बाकी बिल्लियों के बारे में भी सुना। मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरे महल में आकर रहे। बहुत अच्छा विचार है। ट्विंकल ट्विंकल बी, सभी की सभी बिल्लियाँ आ जाए महल में अभी। धन्यवाद टैटी, मैं हमेशा से ढेर सारी बिल्लियाँ चाहता था। और इस तरह कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सुप्रभात मिसिफू, जल्दी उठो नहीं तो हमें स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। अरे फिर से नहीं टैटी। बिल्कुल मिसिफू, स्कूल तो रोज जाना चाहिए। अगर रोज ही छुट्टी होती तो कितना अच्छा होता। चलो मिसिफू, अब उठो, हमें देर हो जाएगी। मिसिफू, चलो जल्दी करो। लिली, तुमने तो हमें डरा ही दिया। ये चलो स्कूल चलें। मिस्टर मॉर्निंग। तुम दोनों को सुप्रभात। मिसिफू, कस के पकड़ना। बस अब पहुंचने वाले हैं टैटी। नहीं मिसिफू। और कितनी देर लगेगी? वो देखो, हम आ गए। चलो नीचे उतरते हैं। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। आज हम एक नया जादू सीखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मुझे दो मददगार बच्चों की जरूरत होगी। मैं। बहुत अच्छे, तुम दोनों आज मेरे मददगार बनोगे। लो, उन्होंने हमें पसंद कर लिया, अब हम क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, ये कार्य बहुत ही जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम दो कढ़ाई लेकर आ जाओ। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं।
चलो चलकर दो जादुई कढ़ाई ढूंढते हैं। क्यों ना हम स्कूल घूमकर पूरा स्कूल देखें? बहुत अच्छा विचार है। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। वो भाग रहे हैं। देखो देखो वो दरवाजा, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो अंदर चले। ये तो डाइनिंग एरिया है। देखो खुफिया सीढ़ियाँ, चलो नीचे चले। हाँ हाँ चलो नीचे चलते हैं। अब हम कौन से दरवाजे में जाएं? मुझे भी नहीं पता। मुझे डर लग रहा है मिसी फू। मुझे भी, यहाँ बहुत अंधेरा है। चलो वापस चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है। देखो वो रहे टीना। हाँ डैडी। देखो वहाँ लिखा है अंदर जाना मना है। चलो मिसी फू अंदर चलते हैं। पक्का अंदर कैंडीज होगी। हाँ चलो। वाह यहाँ कितनी सारी गेंद है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आना मना है। डैडी लेकिन ये बहुत सुंदर है। क्या बात है, चलो दूसरा बॉल ट्राई करते हैं। हाँ जरूर करो करो। अरे वाह ये तो ड्रैगन है। ड्रैगन? कहाँ है ड्रैगन? मिसी फू ये लो गेंद पकड़ो। नहीं। ओह अरे नहीं डैडी, तुम चील बन गई। क्या सच में? अब देखते हैं तुम क्या बनती हो। हे भगवान देखो ये हमने क्या कर दिया। लेकिन हमारा असली रूप वापस कैसे आएगा? मैंने कहीं पढ़ा था थोड़ी देर बाद जादू अपने आप चला जाएगा। थोड़ी देर तो हो गई, फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं। देखो दोस्तों वहाँ एक किताब है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अरे नहीं इसमें लिखा है एक ही समय पर एक से ज्यादा गेंद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो असली रूप में नहीं आ पाओगे। अब हम क्या करेंगे? उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। ये लोग रो क्यों रहे हैं? तुमने यहाँ क्या किया? ट्विंकल ट्विंकल बी मेरी तरह नॉर्मल हो जाओ अभी। तुम्हारी सजा और तुम्हें सबक मिले इसके लिए ये गंदगी अब तुम साफ करोगे। टैटी अपनी जादू की छड़ी निकालो और अभी के अभी सब साफ किए देते हैं। नहीं 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 ये तुम्हें खुद साफ करना होगा। हम इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि अब से तुम स्कूल के रूल्स का सम्मान करोगे।